वाणी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। बिहार में अपराधी बेलगाम होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस तो मानो जैसे अपराधी के हाथों की कठपुतली बनती जा रही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात करने वाली सरकार हाथ पर हाथ धरे तमाशा देख रही है। नमस्कार, मैं हूं निधिजा और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरों के साथ। युवक को चाकू मारकर बदमाशों ने 1.5 लाख रुपए की लूट कर ली है। अपराधियों को ऐसी वारदात को अंजाम देने में जरा भी भय नहीं लगता। बताया जा रहा है कि परसुआ ओपी क्षेत्र के रूपी बांध गांव में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि अपराधी ने एक युवक को चाकू मारकर उससे 1.5 लाख रुपए नगद लूट लिए। राजनीतिक गलियारे से यह खबर निकल कर आई है सामने। LJP को करारा झटका, पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता BJP में हुए शामिल। जिले में हुए कार्यक्रम में LJP के पूर्व बिहार प्रदेश महासचिव विश्वनाथ प्रसाद कुशवाहा, पार्टी के 24 से ज्यादा पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता ने BJP की सदस्यता ग्रहण कर ली है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लिया कोरोना वैक्सीन का पहला डोज, स्वेच्छा से किया 250 रुपए का भुगतान। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल पटना के IGIMS में जाकर कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया, जिसके बाद राज्य के 60 साल से ऊपर के लोगों ने, गंभीर बीमारियों से ग्रसित 45 साल के ऊपर के लोगों ने टीका लिया। होमगार्ड जवान से पैसे छीनकर भाग रहे युवक को लोगों ने पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। जिले में आए दिन लूट, हत्या और दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने के बजाय हाथ पर हाथ धरी बैठी हुई रहती है। इस कड़ी में आज होमगार्ड जवान से पैसे की छिनतई कर एक युवक भागने लगा, जिसके बाद जवान जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को खदेड़ कर दबोच लिया। सहरसा में बढ़ी लूट की घटनाएं, 20 घंटे के भीतर अपराधियों ने 3 घटनाओं को दिया अंजाम। सहरसा में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच गया है। यही कारण है कि एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को वे अंजाम दे रहे हैं। बेखौफ अपराधियों ने 20 घंटे के भीतर 3 वारदातों को अंजाम दिया है। 2 हिस्सों में बटी दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस, बोगी छोड़कर 2 किलोमीटर आगे निकला इंजन। बिहार लौट रही दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। नागपुर सिकंदराबाद रूट में घनपुर रेलवे स्टेशन के पास हुई यह घटना के दौरान तेज गति से आ रही ट्रेन के अचानक 2 हिस्से में बट गई, से यात्रियों के बीच अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। पटना में 3 विधायकों पर FIR, पुलिस के साथ बदसलूकी और रोड पर उपद्रव मचाने का लगाया आरोप। पटना से यह खबर सामने निकल कर आ रही है। वामपंथी दल के 3 विधायकों पर पटना पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। राजधानी में पुलिस के साथ बदसलूकी करने, रोड पर उपद्रव मचाने, कोरोना गाइडलाइन के नियमों को तोड़ने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने को लेकर IPC की विभिन्न धाराओं में इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। भागलपुर में भीषण अगलगी से मची अफरा तफरी, करीब 500 घर जलकर राख, दर्जनों मवेशी भी झुलसकर मरे। भागलपुर से यह खबर निकलकर आ रही है, जहां करीब 500 घर जलकर राख हो गए। इस अगलगी में दर्जनों मवेशी की भी झुलसकर मौत हो गई है। भीषण अगलगी की यह घटना बिहपुर के कस्माबाद की है, जहां खाना बनाने के दौरान अचानक लगी आग से 500 घरों को आग ने अपनी आगोश में ले लिया। अगलगी से इस पूरे इलाके में अफरा तफरी उत्पन्न हो गई। लोगों ने आग को बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण लगी कि सबको अपनी चपेट में ले लिया।
नीतीश को विधानसभा में उतारकर आगे बढ़ी इलेक्ट्रिक बस, हो गई टक्कर। मंगलवार को 11 बजे सीएम नीतीश कुमार ने इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उस पर बैठकर विधानसभा पहुंचे। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक बस सीएम नीतीश कुमार को विधानसभा में उतारकर आगे बढ़ी, करीब वाटिका की दीवार से टकरा गई। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कबीर वाटिका की दीवार टूट गई। सर्दियाँ इलाज माला पहनते हैं, गैस्ट्रिक, ब्लड प्रेशर, गठिया, पाइल्स सहित सैकड़ों बीमारी से पाए निजात। होगा सफल इलाज, नहीं तो पैसे वापस, मात्र 72 घंटे में असर शुरू। कीमत मात्र 2100 रुपए। फोन कर अभी ऑर्डर करें, घर बैठे प्राप्त करें। संपर्क सूत्र 9031560165 9431884830। आज की खबर में बस इतना ही, धन्यवाद। लगातार अपने क्षेत्र की खबर जानने हैं तो जीएस न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर कमेंट जरूर करें।